ये देखिए कितना हेल्दी और टेम्पटिंग यम्मी सूप बनाया है मैंने। ये स्वीट कॉर्न सूप है जो बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही यम्मी है। चलिए बनाते हैं स्वीट कॉर्न सूप। स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने आधा कप कॉर्नस लिए हैं, आधा कप बीन्स है, आधा कप कैरेट है और एक चम्मच अदरक और लहसुन को ग्रेट करके रख लिया है। आप चाहिए तो इसको बारीक काट के भी रख सकते हैं। और ये दूसरा हाफ कप हमको ग्राइंड करके बारीक पेस्ट बनाकर रख लेना है। ये पेस्ट बना के तैयार हो गया है। अभी एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे, उसमें दो चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसमें जिंजर और गार्लिक डाल देंगे। जिंजर गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब इस बीन्स और कैरेट इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। जो हाफ कप कॉर्नस हैं वो भी इसमें डाल लेंगे और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे बीन्स कैरेट के साथ में। अच्छे से सॉटे हो गया है। और अभी जो हमने पेस्ट बना के रखा है कॉर्नस का वो डाल देंगे इसमें और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट मैंने पका लिया है और अभी इसमें तीन कप पानी ऐड करेंगे और नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार और इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छा बॉईल होने देंगे। तीन कप पानी डालने के बाद में इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार और थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्ची डाल देंगे और अभी इसको अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करने छोड़ देंगे और जब तक हमारा वेजिटेबल्स अच्छे से पकने जाता है तब तक इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गया है और हमारे वेजिटेबल्स सब अच्छे से कुक हो गई है। अभी इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है एक चम्मच, इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे और उसका स्लरी बना लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छे से बन गया है हमारा स्लरी और अभी ये हम सूप में ऐड करेंगे, इससे हमारा सूप थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और इसको अभी एक मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर पक जाए। ये देखिए गाढ़ा हो गया हमारा इसका कंसिस्टेंसी, अभी पकने देंगे इसको एक मिनट के लिए। अरे मैंने अभी एक चम्मच व्हाइट विनेगर लिया है, वो भी सूप में ऐड कर देंगे जिससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा सूप में। और एक अच्छे से मिक्स दे देंगे और हमारा स्वीट कॉर्न सूप बन के तैयार हो गया है। और इसको सर्व करते हैं। देखिए अभी हमारा स्वीट कॉर्न सूप बन के एकदम तैयार हो गया है और सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। ये देखिए कितना टेस्टी और टेम्पटिंग बना है, बहुत ही इजी है बनाने के लिए और बहुत ही फटाफट बन जाता है और बहुत हेल्दी भी है।
आपका जब मन करे आप बनाइए और पीजिए सूप को, बहुत ही टेस्टी सूप है। ये देखिए कितना टेम्पटिंग बन गया है सूप, बहुत ही टेस्टी भी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर से गार्निश कर देंगे। ये देखिए एकदम हमारा सूप होटल जैसा बन गया है, बहुत ही डिलीशियस और यम्मी सूप बना है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपका सूप कैसा बना है। स्वीट कॉर्न सूप की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।